ब्रेकअप हो गया, कब थी, नाम जान सकती हूँ, मतलब एम ही पूछ रही हूँ मैं नहीं मेरा नाम मत लेना। पहुँच गई हूँ मैं लोकेशन पर, तो ये कॉर्नर वाला ही घर है ना, हाँ छोटा सा है, वाइट में, वाइट में है, ठीक है। हे गाइस, इट्स मी माय लगड़ा। सो गाइस, ऐसा है कि मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, उसकी शादी होने वाली है एक लड़के से, उसका नाम है अमन। सो मैं यहाँ पर आई हुई थी, उसने मुझे भेजा है कि मेरी मतलब मैं अपने घर पे बात करने से पहले एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि वो सीरियस टाइप है या नहीं है, मुझे लेकर लॉयल है या नहीं है। एक्चुअली मैं कभी किसी की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ यार, ये बात बिल्कुल ही सीरियस है, लेकिन वो होते हैं ना कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो वो बस बेनिफिट उठाना चाहती है मेरा, एक बार चेक करना चाह रही है। और मैंने उसे डिनाई किया था कई बार, लेकिन वो मानी नहीं, क्योंकि शक एक बड़ी चीज़ होती है। अगर वो ही हो गया ना रिलेशन में, तो कभी भी एक अच्छा रिलेशन नहीं चल पाते हो, पता चल जाता है यार कि बंदा लॉयल है या नहीं है। बहुत सारे हिंट होते हैं, जैसे बंदा बात बात पे बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। सेकंड होता है कि आप उसके साथ कहीं पे घूमने जाते हो, तो उसकी नज़र कभी भी आप पर नहीं रहती, इधर उधर कभी उस लड़की को देख रहा है, कभी कभी तो मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो लड़कियों को देख कर उनके घर तक छोड़ाते हैं नज़र नज़र में। ऐसे लोग कभी भी लॉयल नहीं होते। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि दिखाते हैं कि वो बंदा लॉयल नहीं है, बट फिर भी मुझे ये करने आना पड़ा। मैं उसके घर के नीचे हूँ, अभी उसके ऑफिस का टाइम होने वाला है, वो ऑफिस जाने वाला है, तो मैं देखती हूँ कि क्या होता है। फिंगर क्रॉस है कि बस वो लॉयल निकले। A few moments later. Hey, hi. Hello. Hi. एक्चुअली ना मैं इस सोसाइटी में न्यू हूँ, और मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पर, और मुझे वो घर नहीं मिल रहा है। क्या 143 बता सकते हैं हाउस नंबर 143 कहाँ पे हुआ? 143 आई थिंक आप तो यहाँ से जाओ। अच्छा, कौन सी फ्रेंड है आपकी? है एक फ्रेंड, क्या हुआ? नहीं एक्चुअली मुझे नाम आप बताते तो शायद मैं आपको डायरेक्ट बताया था, बट 143 आप यहाँ से जाओ। अच्छा, तो यू हैव टू टेक फर्स्ट। लड़कियों के सारे नाम जानते हो क्या आप? नहीं एक्चुअली आना जाना है तो शायद मेरी फ्रेंड ही निकल जाती, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, यहाँ के बहुत फ्रेंड्स हैं क्या आपके? हाँ मतलब एक्चुअली मैं भी यहाँ पर शिफ्ट होने की सोच रही हूँ, तो एरिया कैसा है ये? एरिया बहुत अच्छा है, आप हो जाओ शिफ्ट, जब मर्जी। जब मर्जी हो जाओ। आप क्या करते हो वैसे? मैं एक्चुअली वर्क करता हूँ एमएनसी में। एमएनसी में वर्क करते हो, तो अभी हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ऑफिस के लिए निकल रहे थे, ओके। कुछ नहीं, काफ़ी ऐसे कपड़े पहन रखे हैं आपने, मेरी आंखों में कैप्चर हो रहे हैं, मतलब बार बार अच्छा लग रहा है, मतलब आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। आप, मैं तो कह रहा हूँ आप हो जाओ शिफ्ट, यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया है। अच्छा, मैं शिफ्ट हो जाऊँ फिर क्या होगा, हम लोग दोस्त बन सकते हैं वैसे, है ना? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कब फ्री रहते हो आप? मैं फ्री हूँ, आप जब बोलो। जब मैं बोलूँ क्यों? आपका ये वर्क नहीं, काम तो चलो होता रहता, अपना ही काम है। अच्छा, अपना ही काम है। टाइमिंग क्या है वैसे भी? फिर भी टाइमिंग तो वैसे जा, वैसे देख लो आप कितना टाइम हो रहा है अभी, वही अपना ही ऑफिस है, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आ जाओ। अच्छा, जब मर्जी जाओ जब आ जाओ, ये भी अच्छा है यार। और फैमिली के साथ रहते हो क्या यहाँ पर? नहीं मैं यहाँ सिंगल। सिंगल रहते हो, फैमिली कहाँ है? फैमिली मेरी पंजाब से है, तो वो पंजाब में रहती है। अच्छा, पंजाब में रहती है, वजह से यहाँ पे। ओके, और मतलब सिंगल रूम में रहते हो कि पीजी टाइप? पीजी, ये पीजी नहीं है एक्चुअली, ये मैंने ही ले रखा है। अच्छा, लीज पे ले रखा है। लीज पे ले रखा है ये पूरा? ओके, तो मैं सिंगल ही रहता हूँ। सिंगल रहते हैं, मेरे को बस ये। अच्छा, और भी कुछ खाली हो तो मतलब मैं शिफ्ट होने की सोचूं यहाँ पर, तो हो सकता है? हैगा? नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। यार सो स्वीट, सच में आप काफ़ी स्वीट हो, थैंक यू। अगर आप खाली करवा दोगे तो, मतलब मैं सोच रही थी कि सबसे ऊपर वाले पोर्शन अगर खाली हो जाता तो मैं भी रह जाती, क्योंकि एक्चुअली ना मैं यहाँ पर वर्क करने के लिए ही आई हूँ, तो अभी मैं बस ढूंढ ही रही थी घर पे, तो यहाँ पर एक फ्रेंड है, मैंने सोचा उससे पूछ लेती हूँ। ये उतार लूँ मैं आपको ना, सही से देख नहीं पा रहा है। ओके, देख लीजिए, बिल्कुल देख सकते हो। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि शिफ्ट होने के लिए, तो मुझे लगा चलो ठीक है, ये एक बेहतर है। और गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ हैं क्या आपके? गर्लफ्रेंड, आपको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है? क्यों, लग क्यों नहीं रहा, मतलब नहीं एक्चुअली मैं काम की वजह से इन चीज़ों में टाइम नहीं दे पाता। ठीक, अभी एक गर्लफ्रेंड, बस ब्रेकअप। ब्रेकअप हो गया, कब थी, नाम जान सकती हूँ, मतलब एम ही पूछ रही हूँ मैं। हाँ, नाम संध्या। एंड संध्या? संध्या आपकी, मतलब अभी जो रिसेंट गर्लफ्रेंड रही है वो संध्या रही है? रिसेंट एंड लास्ट वही थी। रिसेंट और लास्ट वही थी? लास्ट वही थी। सॉरी, आप मतलब सीरियस थे उसके लिए? नो नो, मुझे नहीं लग गया। हाँ नहीं, सीरियस तो नहीं था, बट एक्चुअली वही बहुत पीछे पड़ी हुई थी मेरे। अच्छा, बट काम की वजह से एंड प्रेशर, फैमिली प्रेशर की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया,
हाँ हाँ मतलब फैमिली क्या कह रही है, मतलब शादी वादी की कुछ बात कर रही है क्या फैमिली? नहीं शादी तो नहीं, वो भी डिसीजन मेरे ऊपर ही है वैसे, फैमिली ने मेरे ऊपर ही छोड़ा, अगर कोई हो पसंद आ जाए तो कर सकते हैं। नहीं मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम क्यों लोगे? आपको ब्यूटीफुल ओके थैंक यू सो मच, मतलब इतना ब्यूटीफुल सोच रहे हैं। आज का दिन भी अच्छा है, मैं घर से निकला और पहले ही एक ब्यूटीफुल गर्ल सामने खड़ी है। हाय हेलो हाँ हो सकता है, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करना। एक्चुअली मैं पता नहीं क्यों दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप किसी प्रिया नाम की लड़की को जानते हो क्या? प्रिया आप जानते हो? नहीं मैं बस आपसे पूछ रही हूँ, आप किसी प्रिया नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं प्रिया नाम की लड़की तो यार कोई फ्रेंड लिस्ट में हो सकती है, बट कोई प्रिया को नहीं जानते। प्रिया को नहीं जानते? अभी रिसेंट आपकी कोई गर्लफ्रेंड प्रिया नहीं चल रही है? आपका नाम अमन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? नर्वस क्यों हो रहे हो? आप जानते हो? मैं जानती नहीं हूँ, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, नर्वस मत हो। नहीं आप अमन हो ना, राइट? और अभी रिसेंट में अगर आपका किसी से लिंक चल रहा है मे बी प्रिया हो सकती है, प्रिया नाम की लड़की। एक्चुअली ठीक है मैं बता देती हूँ, प्रिया मेरी फ्रेंड है। आप प्रिया को कैसे जानते? फ्रेंड है मतलब ऐसे ही कॉलेज टाइम से फ्रेंड है हम लोग, तो फिर उसने आपके बारे में बताया। आप नर्वस मत हो, ये पहली बात तो। नहीं मैं नर्वस नहीं हो रहा, एक्चुअली मैं याद कर रहा हूँ दैट कौन सी प्रिया जो अभी रिसेंट चल रही है प्रिया। उसका नंबर बताऊँ? नहीं आप बताओ क्या बता। मैं बस ये बोल रही थी कि मुझे लगा था कि वो आपके लिए काफ़ी सीरियस है और घर में शादी वादी की बात करने वाली है, और मुझसे कह रही थी कि मैं एक बार आई डोंट नो क्या हो गया, आपने तो प्रिया का नाम तक नहीं लिया और मुझे लग रहा है कि मतलब आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी। आपके हाथ कांपते मुझे थोड़े से अजीब लग रहे हैं यार। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं प्रिया, हाँ मैं प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, बट अभी तो आप बोल रहे थे कोई संध्या वंदा का नाम ले रहे थे आप। हाँ बट मैं वो आपको इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज जो प्रिया है शादी तक बात पहुँच रही है, बट मैं उसको लेकर इतना सीरियस नहीं हूँ। सीरियस नहीं हो तो अगर वो लड़की सीरियस है और शादी की बात करने की जैसी चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको बताते क्यों नहीं हो कि मैं सीरियस नहीं हूँ? यार वो नहीं चाहती ना ही नहीं सुनना चाहती है, वो पीछे पड़ी हुई है एंड मैं उसे एक बार बताओ, अगर आप शादी नहीं करना चाहते, इनकेस अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो और वो करना चाहती है, आजकल में जब वो अपने पेरेंट्स से बात कर लेगी तो बात बड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो मे बी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो पहले ही बता दो ना यार, या मैं बता दूंगी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप मत बताना, मैं आप ऐसा करो आप तो प्लीज इस बारे में तो बिल्कुल मत बताना। मतलब मैं उसने मुझे बोला था मिलने के लिए तो मैं ये तो बोलूंगी कि मैं आपसे मिली और तो आप इस बारे में मत बताना जब तक कि मैंने उसका नाम भी नहीं लिया एंड आपके सामने बताया कि नाम आप तो बस मतलब मैं उसे खुद बता दूंगा। खुद बता दोगे? कब बता दोगे? देखता हूं भी। कब देखते हैं? अच्छा ठीक है मैं आपको 2 दिन का टाइम दे देती हूँ, अगर आप 2 दिन में बता देते हो ठीक है, अगर आपने नहीं बताया 2 दिन में तो मैं बता दूंगी। नहीं मैं बता दूंगा उसे। बता दोगे? ओके प्लीज आप मत बताना। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। मीट यू बट थैंक यू, अच्छा भी लगा मिलके एंड ये जो हो गया ये अच्छी नहीं लगी आपको? आई एम सॉरी, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है तो मुझे लगा कि मेरे को एक बार मिलना चाहिए और वो इतनी सीरियस है तो फिर ठीक है। मुझे लगता है कि यार अगर हमारे लिए कोई सीरियस हो जाता है ना तो हम इतने मेच्योर तो हैं यार कि उसे ये बोल सकें कि यार यू नो व्हाट तेरा मेरा सीन नहीं है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत ही क्लियर बोलती हूँ लोगों को यार देख तेरा मेरा सीन नहीं है, तो क्लियर बोलना मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा होता है। इस ओके जो कुछ हुआ इस ओके मैंने आप पर छोड़ दिया है, 2 दिन में आप उसे बता देना ठीक है। अगर आपने नहीं बताया तो देखो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो मेरा इतना फर्ज तो बनता है। बाकी मैंने आपको टाइम दे दिया। आप प्रिया को कुछ मत बोलना। हाँ मैं नहीं बोलूँगी, मैं अपने बात कर लूँगा उससे ठीक है। नाइस टू मीट यू, सॉरी।
आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई जब लड़के ने प्रिया का नाम ही नहीं लिया. और अगर दो दिन में उसने नहीं बताया उसके बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, अगर बता देता है तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगी.